पांचवी गाड़ी है निसान की एक्सट्रेल। इस गाड़ी का नाम भी शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और 58.14 लाख रुपीस में मिलती है ऑन रोड, मतलब कि लगभग 60 लाख रुपए की गाड़ी है ये। मुझे इस गाड़ी को लॉन्च करने के पीछे का ब्रांड का लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक तरफ आप मैग्नाइट लॉन्च करते हो जो वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है और उस हिसाब से कस्टमर्स आपको रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, आपकी गाड़ी को खरीद भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक्सट्रेल लॉन्च कर रहे हो इम्पोर्ट करके। ना मार्केट की डिमांड थी एक्सट्रेल की, ना ही आपको इस गाड़ी को लॉन्च करने की ज़रूरत थी, ना ही किसी का कोई दबाव था, कोई प्रेशर था, कुछ नहीं था। भाई इस गाड़ी को लॉन्च करने का क्या लॉजिक है? 60 लाख रुपए में आपको पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मिल रही होती है जिसमें 13.7 केएमपीएल का माइलेज मिल रहा है बस, तो भाई काई की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जब माइलेज इतना ही देना था। तो फीचर्स की बात करूँ ना तो इस गाड़ी में वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो हमारी 20 लाख रुपए में मिलने वाली किसी भी गाड़ी में मिल जाएंगे, वही सारे फीचर्स इसमें हैं। कोई एक्स्ट्रा फीचर इसमें नहीं है 60 लाख रुपए के हिसाब से, जहां तक कि एडास तक नहीं है। एडास इस समय पे मरा फिर रहा है भाई इंडियन मार्केट में, 15-20 लाख रुपए की हर किसी गाड़ी में एडास मिल रहा है और यहाँ 60 लाख रुपए आप ले रहे हो और एडास नहीं दे रहे। जरा इस गाड़ी की शक्ल ध्यान से देखना, कहीं से भी ये लगती है कि एक दो महीने पहले लॉन्च हुई है, ऐसा लग रहा है सालों पहले लॉन्च हो चुकी है, इसकी डिज़ाइन आउटडेटेड हो चुकी है और इसको तुरंत ज़रूरत है नेक्स्ट जनरेशन की, जबकि ये गाड़ी अभी मुश्किल से एक महीने पहले लॉन्च हुई है। मतलब तुम यार ऋतिक रणवीर के ज़माने में मिथुन दा को हीरो बना के फिल्म रिलीज़ कर रहे हो और उसका टिकट भी साला 1000 रुपये रख रहे हो, कोई क्यों आएगा देखने? मतलब ये गाड़ी इतनी ओवर प्राइज्ड है कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो मुझे हमेशा से ओवर प्राइज्ड लगती है वो भी इसके सामने सस्ती नज़र आने लगी। 56 लाख रुपीज़ में फॉर्च्यूनर लेजेंडर का टॉप वेरिएंट मिल जाता है, वो भी डीजल में, ज़्यादा पावर और ज़्यादा माइलेज के साथ में। जहाँ तक मुझे याद है अगस्त के महीने में सिर्फ 6 लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा है और मैं लिख के दे सकता हूँ उनकी, उन सभी 6 लोगों की मेंटेलिटी इतनी रही होगी कि भाई उनके पास पैसा तो था लेकिन उन्हें कोई एक ऐसी गाड़ी खरीदनी थी जो कॉमन ना हो, कुछ हटके करना था, इसलिए उन्होंने एक्सट्रेल को ख़रीदा होगा। बाकी कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस गाड़ी को ख़रीदने का 60 लाख रुपए में आग लगाने का। अगली गाड़ी है रेनो की क्विड। अर्श से फर्श पे आना इसे कहते हैं। क्विड को 2015 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते से इसने मार्केट हिला दिया था। इकलौती गाड़ी थी उस समय पे जो मारुति की बजट गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देती थी। 2 हफ्ते में 25,000 बुकिंग्स हो गई थी, 5 हफ्ते में 50,000 और 2 महीने में 70,000 क्विड बुक हो चुकी थी। और अगर मैं आज की हालत की बात करूँ ना तो पहले ये एक दिन में जितना बिकती थी अब एक साल में उतना बिक पाती है। पिछले महीने अगस्त में सिर्फ 634 यूनिट्स बिकी हैं और उसके पहले जुलाई में मात्र 565 यूनिट्स बिकी थी। ये हाल हो चुके हैं इस गाड़ी के। इस गाड़ी की आज ये हालत हो चुकी है कि अगर कोई 6-7-8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके दिमाग में क्विड आती ही नहीं है, एज आ ऑप्शन भी ये नहीं बची मार्केट में। क्विड की ये हालत किसी और ने नहीं, रेनो कंपनी ने खुद ही की है। 2015 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, उसके बाद में लगातार इस गाड़ी में अपडेट आती रहती थी जिस वजह से ये मार्केट में जिंदा बनी रहती थी, अपने राइवल्स को कॉम्पीट कर पाती थी। 2019 में इसका लास्ट फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, तब जाकर इसकी सेल्स में दोबारा से बूम आया था और उसके बाद से लेकर अब तक इस गाड़ी को अपडेट नहीं किया गया है। 2019 से 2024 आ गया है, ना कोई फेसलिफ्ट है, ना नेक्स्ट जनरेशन है, कोई चेंज इस गाड़ी में नहीं किया गया है। हल्के फुल्के फीचर्स अपग्रेड कर देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करते हैं, यही वजह है कि इस गाड़ी की आज ये हालत हो रखी है। इस गाड़ी में आपको 22.3 केएमपीएल का माइलेज मिल जाता है जबकि इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सब में 25 केएमपीएल के आसपास माइलेज मिल रहा होता है। इसके अलावा सभी कॉम्पिटिटर्स में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिल रही है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बूट स्पेस की बात करें जो इसकी पहले यूएसपी हुआ करती थी, 280 लीटर की बूट मिलती है इसमें जबकि सैलरियों में 313 और वैगनार में 341 लीटर की मिल रही है। बूट स्पेस के अलावा इस गाड़ी की जो यूएसपी थी वो थी इसके एक तो लुक्स, इसकी रोड प्रेजेंस जो एसयूवी वाला फील आता है वो, इसके अलावा फीचर लोडेड थी। सेगमेंट के हिसाब से इसमें काफ़ी भर भर के फीचर्स मिल जाते थे लेकिन आज की तारीख में इनमें से एक भी यूएसपी इस गाड़ी की नहीं बची। सैलरियो वैगनार में इससे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं इतने ही प्राइस या उससे भी कम में, बूट स्पेस इससे ज़्यादा मिल रही है और आफ्टर सेल सर्विस रीसेल वैल्यू की तो खैर मैं बात ही नहीं करूँगा। अगली गाड़ी है फॉक्स वैगन की टिगुआन। मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब से ये लॉन्च हुई है ना तब से इसकी सेल्स बिल्कुल ख़त्म है, ना के बराबर बिक्री होती है। बीच में टिगुआन ऑल स्पेस को लॉन्च किया गया था, उसकी तो और हालत बुरी थी तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये गाड़ी आपको 41 लाख रुपए की ऑन रोड मिलती है जबकि इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, माइल्ड हाइब्रिड तक नहीं है, डीजल की तो बात ही नहीं करूँगा। 12.65 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है, मतलब कि रियल लाइफ में भाई ये 6 या 7 माइलेज निकालेगी। इतनी महंगी होने के बावजूद भी ना तो इस गाड़ी में पेट भर के फीचर्स दिए गए हैं चाहे वो कंफर्ट के हो या सेफ्टी के, और ना ही इस गाड़ी की शक्ल
41 लाख रुपीज वाली गाड़ियों के बराबर है। इसी कंपनी की एक कम बजट में गाड़ी आती है टाइगुन, जो आपको 20 लाख रुपए में मिल जाती है। अगर मैं उसकी इमेजेस में इस गाड़ी की इमेज डाल दूं और स्क्रॉल करता रहूं, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि टिगुआन कौन सी थी और टाइगुन कौन सी थी। इन दोनों गाड़ियों में 20 लाख रुपए का अंतर है, लेकिन डिज़ाइन में 20 चेंजेस भी नहीं है। अगर मैं राइवल्स की बात करूँ ना, तो टूसॉन का पेट्रोल टॉप वेरियंट 36.5 लाख रुपये का मिल जाता है, और जितने बजट में टिगुआन का पेट्रोल टॉप मिलता है, इतने में तो आपको टूसॉन का डीजल टॉप मिल जाता है, और फीचर्स टिगुआन से ज़्यादा हैं। जीप जैसी प्रीमियम कंपनी की गाड़ी कंपस का डीजल टॉप भी आपको 38.5 लाख रुपए में मिल जाता है, लेकिन ये टिगुआन उससे भी 3 लाख महंगी है भाई। आठवीं गाड़ी है स्कोडा की सुपर्ब। इस गाड़ी को देखने के बाद, इस गाड़ी की डिटेल्स पढ़ने के बाद, आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द है जो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, वो है सुपर्ब। मैं कोई बात ही नहीं कर रहा कि इसमें कितने फीचर्स मिलते हैं, कम है कि ज़्यादा हैं, कैसी लगती है कैसी नहीं लगती है, रोड प्रेजेंस अच्छी है बेकार है, कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल सी बात इतनी कर रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी ऑन रोड 61.2 लाख रुपीज़ की मिलती है। अगर किसी के पास 60-65 लाख रुपये हैं, तो वो स्कोडा की सुपर्ब क्यों खरीदेगा, जबकि इतने बजट में उसको काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स की दुनिया भर की गाड़ियों के ऑप्शंस हैं, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज ए क्लास लेमोजीन 53 लाख में पेट्रोल में और 57 लाख रुपीज़ में डीजल में मिल जाती है, ऑन रोड प्राइसेस बता रहा हूँ आपको मैं। BMW X1 जो कि SUV है, पेट्रोल में 56 लाख रुपीज़ और डीजल में 61 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। टोयोटा कैमरी जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, 19.1 km का माइलेज मिल जाता है, 53 लाख रुपीज़ में यह गाड़ी मिल जा रही है। BMW 2 सीरीज़ ग्रैंड कूप 50-54 लाख रुपीज़ में मिलती है, डीजल टॉप आपको 54 लाख रुपीज़ का मिल जा रहा है इसमें। ऑडी Q3 SUV 52 लाख से 64 लाख रुपीज़ में मिल जाती है। ऑडी A4 54-64 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। मर्सिडीज़ बेंज GLA जो कि एक SUV है, पेट्रोल में 56 लाख और डीजल में 66 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। ऑडी Q3 स्पोर्टबैक 64-65 लाख रुपीज़ की ये गाड़ी भी मिल जाती है। भाई इतने सारे प्रीमियम और बढ़िया ऑप्शंस हैं पेट्रोल और डीजल में, तो कोई स्कोडा सुपर्ब क्यों खरीदेगा? 60 लाख रुपए का बजट रखने वाला कोई कस्टमर होगा तो वो एक बार इसको एज अ ऑप्शन भी कंसिडर नहीं करेगा। यही वजह है कि मार्च 2024 में 100 स्कोडा सुपर्ब इम्पोर्ट की गई थी और वो 100 स्कोडा सुपर्ब अभी तक नहीं बिक पाई हैं। डीलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी वो 100 स्कोडा सुपर्ब बिक जाएं, बिकने कोई तैयार नहीं है। अगस्त में सिर्फ 3 बिकी थी, जुलाई में 1 भी नहीं बिकी थी, जून में सिर्फ 1 बिकी थी। ये हालत है इस गाड़ी की, पूरे साल भर में 100 भी नहीं बिक पा रही है ना, ये टोटल यूजलेस कार। हाँ, किसी ने अपने पैसे बर्बाद करने हैं या ज़्यादा समझदारी के चक्कर में साबित होना है तो भाई साहब बिल्कुल खरीद लो। तो ये थी इंडिया की मोस्ट यूजलेस गाड़ियाँ। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी से सहमत हैं या नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 8 के अलावा भी कोई ऐसी गाड़ी है जो बिल्कुल यूजलेस है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।